नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू आवर चैनल। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे मामले को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस जो ये केस इस मामले में हुए हैं उसको लेकर जांच कर रही है और लगातार जगह जगह पर जहां जहां इस केस से संबंधित लोग हैं वहां वहां दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए जा रही है। अलग अलग राज्यों में जहाँ पर टूर्नामेंट आयोजित होते हैं वहाँ भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ करी थी और ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े जितने भी लोग हैं या जो इवेंट हुए उससे जुड़े लोग हैं उनसे दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पूछताछ करी थी। अब उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर, ये कल की खबर है जो सामने आ रही है, कि दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँची है और इस लखनऊ स्थित आवास पर जितने भी कर्मचारी हैं जो काम करने वाले हैं, चाहे वो कोई सा भी स्टाफ हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो क्लीनर हो, चाहे वो रसोई में काम करने वाले हों, जितने भी लोग हैं उन सब से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ करी है ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में जो सारी जानकारी ली है, जो सारी बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी देर तक वहाँ पर जो कर्मचारी हैं जितने भी, और उनके सभी के एड्रेस प्रूफ हैं, जितने भी उनके जो दस्तावेज हैं, उन सब से दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी मांगी और काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद लखनऊ से दिल्ली पुलिस गोंडा के लिए निकल गई। गोंडा में भी जो उनका आवास है और जितने भी जो लोग हैं, जो उनके आसपास के जो लोग हैं और जो वहां पर भी अगर कोई कर्मचारी वगैरह मिलते हैं और उनके जो साथ के लोग हैं उन सब से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस केस को लेकर जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस जांच में लगी हुई है और पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस लगातार बहुत तेज़ एक्शन में है और लगातार खबर आती रहती है कि दिल्ली पुलिस कोर्ट में रिपोर्ट बहुत जल्द दाखिल कर सकती है। और बहुत सारी खबरें इस बीच में आ रही हैं, पहलवान अब उन्होंने अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है जिस तरीके से खबर आ रही है, रेलवेज में उनकी नौकरी है। अब फिलहाल अभी उनका आंदोलन जो लगातार चल रहा था अब वो अपनी ड्यूटी पर गए हैं, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि आंदोलन उनका ख़त्म नहीं हुआ है जब तक उनके जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने उठाए हैं, जो उनकी मांगे हैं वो नहीं मानी जाती हैं, गिरफ्तारी की उनकी मांग है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह भी लगातार कहते रहते हैं कि उन पर आरोप निराधार हैं। दोनों तरफ से लगातार बातें सामने आती रहती थी और अब फिलहाल मामला ये है कि दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर उनके आवास पर जाकर जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ करी है और उनके बयान दर्ज किए हैं। अब दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट कब आती है और कब कोर्ट में पेश होती है, इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको सारी जितनी भी न्यूज़ है उनसे अवगत कराते रहेंगे। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।